यस डॉक्टर संजय हैं? नहीं एक्चुअली डैड तो घर से बाहर गए हैं किसी काम से। आपको? ओह गॉड, मैं उनका कॉल काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी। मैंने काफ़ी कॉल लगाए बट उनका कॉल लग नहीं रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है। आपके पास कोई दूसरा नंबर है उनका? हाँ है, बट क्या आप मुझे बता सकती हैं लाइक आप कौन सा नंबर ट्राई कर रही थी उनका? मैं वो उनके क्लिनिक के नंबर पे ही कॉल कर रही थी बट कोई आंसर नहीं मिल रहा है। मैं क्लिनिक गई तो आपका एड्रेस मिला तो मैं यहाँ चली आई। प्लीज़ आप एक बार उनसे बात करा दीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। या नो इशुआ, डू वन थिंग, मैं उनको कॉल करता हूँ। आप काफ़ी भीगी हुई हैं तो आप अंदर आ सकती हैं, आप थोड़ा ट्राई कर लीजिए अपने आप को। इफ़ यू आर कम्फर्टेबल यू कैन कम प्लीज़। दिस वे। हेलो, सॉरी, वो आप डॉक्टर साहब का नंबर देने वाले थे? ओह या नंबर, या एक्चुअली मेरा फोन रूम में है, सो इफ यू डोंट माइंड मैं 2 मिनट में लेकर आता। आप बैठिए ना प्लीज। या प्लीज प्लीज बी कंफर्टेबल, मैं लेकर आया 2 मिनट प्लीज। वो मेरा पर्स दे दीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो काफी भीग गई है, मैं आपके लिए टॉवल लेकर आता हूँ प्लीज। ओके। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। बाहर इतनी बारिश हो रही है ना, समझ में नहीं आ रहा मैं अपने आप को कैसे सुखाऊंगी, मैं तो पूरी गीली हो गई हूँ। एक्चुअली आप काफ़ी ज़्यादा भीग गई हैं, आई गेस आपको कपड़े उतारने होंगे। ये वॉट आई मीन कि ये कपड़े काफ़ी गीले हो चुके हैं, तो इफ़ यू वॉन्ट आप मेरी मॉम के कपड़े पहन सकती हैं, तब तक मैं आपके ये कपड़े सुखा दूंगा इफ़ यू आर कम्फर्टेबल। Nice joke. अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। Which room? This way. Left. Thank you.
रोहन, 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 रोहन। So sorry, मैं कुछ सोच रहा था। ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि सोच ही जज्बात बन जाते हैं, और जज्बात अल्फाज, और अल्फाज एक हरकत बन जाती है, और हरकतें एक आदत, इसलिए ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं होती। अरे ये आपने डैड के कपड़े पहन लिए। वो मैंने सोचा साड़ी थोड़ी देर में सूख जाएगी तो मैं चेंज कर लूंगी। और वैसे भी आई नो वुमेन्स, उनके कपड़ों और उनके लफड़ों पर नजर डाली ना तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है। और तुमने तो वैसे भी मेरी बहुत मदद की है, तो मैं तुम्हें कैसे परेशानी में डाल सकती हूँ। मैं ये साड़ी सुखा देता हूँ आपकी, तब तक आप बैठिए। थैंक यू। अरे आप कुछ लेंगी? आई मीन चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, समथिंग? नहीं कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, आई गेस आपको ठंड लग रही होगी, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। ओके, एंड तब तक आपकी साड़ी भी सूख जाएगी। ठीक है, कॉफ़ी चलेगा। Your coffee? Oh, so sorry. No, it's okay. वो मुझे ना सेल्फी लेना बहुत पसंद है, तो मैं सेल्फी लेने लग गई। Oh, really? Actually, मुझे भी सेल्फीज लेना काफी पसंद है। Wow, great. तो चलो साथ में सेल्फी लेते हैं। Are you sure? Okay, your coffee? Thank you. आई थिंक मुझे चलना चाहिए। आप ही ने कहा था ना कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये तो सोच हमारी जज्बात बन जाते हैं, जज्बात हमारे अल्फाज,
अल्फाज हमारी हरकत और हरकत हमारी आदत बन जाती है। तो अब मेरी सोच मेरे जज्बात बन चुके हैं, जज्बात अल्फाज बन रहे हैं, ये अल्फाज हरकत बनना चाहती है। अब देखते हैं ये हरकत आदत बनती है। सोने देना। टाइम 10 बज गए हैं, मॉम डैड आने वाले होंगे, प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए, प्लीज जल्दी उठ जाइए आप। मॉम डैड प्लीज आप ये चेंज कर लीजिए, टाइम मॉम डैड आने वाले होंगे। क्या बात है, रात में जानू और अब सीधा आप पे आ गया। अब प्लीज थोड़ा सा जल्दी करिए, 10 बज गए हैं, मॉम डैड कभी भी आ सकते हैं, प्लीज। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ, पहले चाय तो पिला। हम बाहर चाय पी लेंगे, प्लीज समझिए, अभी मॉम डैड आ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें निकलना होगा, प्लीज। अरे चल चल, बोल बच्चन मत दिखा। कल तो बोल रहा था तू कि तेरे माँ बाप कल शाम को आएंगे, और अब कह रहा है कि अब भी आ रहे हैं। देख ऐसा है, मैं बिना चाय पिए तो यहां से जाने वाली नहीं, जा मेरे लिए जाके चाय बना। तो तुझे बहुत जल्दी समझ आ गया कि मुझे कड़क और गर्म चीजें पसंद है। प्लीज आप जल्दी पीछे, हम डेड आने वाले हैं। चल अब जल्दी से मेरे पैसे निकाल ताकि मैं घर जाऊं। क्या पैसे? कौन से पैसे? बच्चे कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जा 50,000 लेकर आ। 50,000? कौन से 50,000? आप क्या बोल रही, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। ओए ये बच्चा गिरी ना, मुझे मत दिखाना। अपने बाप के लॉकर से लेकर आ या अपनी माँ के कबर्ड से ला, चाहे पड़ोसियों से भीख मांग कर लेकर आ, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। क्या ड्रामा है ये, क्यों कर रहे हो आप ये सब? मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे, मैं कहाँ से अरेंज करूँ एकदम से?
प्लीज आप समझिए, अभी आप चले जाइए, मॉम डैड आके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज। ठीक है तो मैं तेरे माँ बाप का वेट कर लेती हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही है, मेरे पास नहीं है इतने सारे पैसे और मैं कहाँ से अरेंज करूँ इतनी जल्दी। प्लीज आप चले जाइए, अभी मॉम डैड आके बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यार क्यों क्यों ये ड्रामा लगा रखा है आपने, क्यों ड्रामा? दिखाओ तुझे ड्रामा, हाँ दिखाओ ड्रामा। ये जो तेरे कल रात वाला कांड है ना, बोल कर दूं यूट्यूब पे अपलोड? कर दूं? ठीक है मैं अपने पैसे लेकर आ रहा हूँ। ये लीजिए अपना चेक, पूरे 50,000 है, प्लीज लीजिए और अब प्लीज चले जाइए। मेरे माथे पे सी लिखा है, बोल लिखा है, दिख रहा है तुझे? ये चेक लूंगी हाँ, ताकि ये बाउंस हो जाए, मैं तुम्हारे घर के चक्कर काटते फिरूं। जाओ जाके कैश लेकर आओ। अरे मैं कहाँ से लेकर आऊं कैश? ठीक है तो तुम्हारे मॉम डैड का इंतजार कर लेती हूँ। प्लीज बहुत टाइम है मेरे पास। ओके प्लीज मैं जा रहा हूँ। ये लीजिए अपने पैसे, पूरे 50,000 है, प्लीज गिन लीजिए। प्लीज इसे बुझा दीजिए, प्लीज अपने पैसे आपको मिल गए, अब आप प्लीज चले जाइए यहां से। मॉम डैड आ चल ठीक है। खुश रहे। एक्सक्यूज मी, वीडियो डिलीट कर दीजिए। प्लीज जल्दी डिलीट कर दीजिए प्लीज। खुश। अरे जाते जाते हक तो बनता है। प्लीज प्लीज आप निकलिए प्लीज।
अरे क्या बात है मेरी जान, तू तो छा गया, स्टार है भाई अब तू। स्मार्टफोन में तो और भी स्मार्ट लग रहा है। और वो क्या आवाज थी? आ, आ, आ। क्या सुर लगाया तूने। आता हूँ तेरे घर पे, तेरे साथ तो भाई अब एक सेल्फी लेनी बनती है। ऑटोग्राफ तो देगा ना? मुझे पता है मैं वोडका नहीं पीता हूँ ब्रो, विस्की लानी थी। तो भाई बोलना था ना, मैं विस्की ले आता। तुझे भी बताने की जरूरत पड़ेगी। चल बैठ यार, चल अभी इसी से काम चलाते हैं। ये ले, क्या देख रहा है वैसे? कुछ नहीं ब्रो, कुछ नहीं। चल चिल कर, स्पेशल है। अरे यार ब्रो, फेसबुक चला रहा हूँ, स्पेशल। अच्छा चल, जल्दी से दो पैक बना, जल्दी। हाँ चलाता हूँ। सुन, लाइट लाइट से बनाई हो? ओके। ये जुगाड़ तो अच्छा किया तूने, बट यू नो अगर एक और जुगाड़ हो जाता ना तो मजा ही आ जाता। क्या? आंटी का यार, मजा ही आ जाता है। क्या कह रहा तू? तेरी तो गर्लफ्रेंड है। हाँ आई मीन है, बट यार पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं यार उसके ऊपर। एंड यू नो मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं उसे ट्यूशन दे रहा हूँ। पता है ब्रो, पता है मैंने ना एक चीज तो समझ ली, लाइक बड़ी अच्छी है। पागलपन है बेटा, जिस दिन सेक्स का भूत सर पे चढ़ गया ना, उस दिन अपने रिश्तेदार भी नंगे नजर आएंगे। बहुत फोटो डाउनलोड करने का शौक था ना इसे। मेरे मॉम की फोटो डाउनलोड करता है, अभी देखना इसकी लाइफ से इसकी फोटो ही डिलीट कर दूंगा। तब मजा आएगा। Ha 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 ha